इस वीडियो के अंदर एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हैं हम, देखने वाले हैं शॉकिंग व्हाई यूथ इज लीविंग पाकिस्तान एट अ क्रेजी स्पीड। पाकिस्तान से यूथ जा रहा है, क्योंकि आई थिंक 60 से ऊपर परसेंटेज जो है यूथ की ही है जो उस उम्र में आते हैं जिसको यूथ कहा जाता है। तो पाकिस्तान को क्यों छोड़ रहे हैं अभी करेंट सिचुएशन में, जब इमरान खान की गवर्नमेंट जा चुकी है और दूसरी गवर्नमेंट आ चुकी है। सो इसके ऊपर कुछ नज़र डालते हैं, देखते हैं कुछ एनालिसिस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। पाकिस्तान में इस वक्त ब्रेन ड्रेन की जो सिचुएशन है वो खतरनाक हद तक बिगड़ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम एक रिपोर्ट पर नज़र डालेंगे और देखेंगे कि ये सिचुएशन किस तरह पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रही है। हम देखेंगे कि इस साल पाकिस्तान से कितने यंग ग्रेजुएट्स मुल्क छोड़कर जा चुके हैं और जाने का सोच रहे हैं। कुछ ऐसी फिगर्स सामने आई हैं जो इस मुल्क के पॉलिसी मेकर्स की नींदें हराम करने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। ये स्टोरी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 2022 में तकरीबन 8 लाख यंग पाकिस्तानी इस मुल्क को छोड़ चुके हैं और ये नंबर्स अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के मुकाबले में तो पिछले साल सिर्फ 2.25 लाख लोगों ने इस मुल्क को छोड़ा। 2020 में ये नंबर 3 लाख था और 2019 में ये नंबर 6 लाख के करीब था और इस साल ये नंबर 8 लाख के करीब है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से पाकिस्तानी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में जा रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ये टॉप डेस्टिनेशंस हैं। उसके अलावा जॉब्स वगैरह के लिए। ये ब्रेन ड्रेन जिसको हम कहते हैं, इसका क्या मतलब है? ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि आपका जितना भी पढ़ा लिखा दिमाग है वो यहाँ से निकल रहा है, उसकी लीकेज हो रही है। कोई ऐसा सिस्टम है, जैसे कहते हैं नहीं कि आपकी नाली में लीकेज शुरू हो जाती है तो फिर वो कितना नुकसान करती है, तो ये पाकिस्तान में एक लीकेज हो रही है। ड्रेनेज, आपका ड्रेनेज सिस्टम वो तबाह हो गया है। ब्रेन ड्रेन, आपका जो बेस्ट ऑफ द माइंड्स हैं आपके पाकिस्तान के वो मुल्क छोड़ रहे हैं। और पेनफुल फिगर्स मैं अब आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये रिपोर्ट कहती है 92,000 ग्रेजुएट्स, टॉप ग्रेजुएट्स, अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स प्लस 3.5 लाख ट्रेंड वर्कर्स, ये लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं इस साल। 92,000 हाईली एजुकेटेड सिटीजन, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और अकाउंटेंट्स। ओए हो सर, आपको पता है एक बंदा किसी भी मुल्क की तकदीर बदल सकता है। यहाँ पे हमारे 92,000 लोग, पढ़े लिखे लोग, एक्सपर्ट लोग अपनी अपनी फील्ड्स में, और वो भी वो फील्ड्स जो दुनिया में टॉप फील्ड्स मानी जाती हैं, डॉक्टर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स, ये लोग इस वक्त मुल्क छोड़ रहे हैं। कहाँ एक बंदा जो पूरे मुल्क की तकदीर बदल सकता है, लेकिन ये 92,000 लोग इस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ जाएं। मतलब हमारा मुल्क, हमारे मुल्क का जो भी सिस्टम है, जो उनको वो तालीम दे रहा है, जो उनको वो हुनर सिखा रहा है, जो उनको वो स्किल्स सिखा रहा है, वो यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत फारिग है। ये किसी हद तक तो दुरुस्त हो सकती है बात, लेकिन उसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हुए लोग बाहर जा रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज बाहर दुनिया को दे रहे हैं। भाई ये कोई सोच रहा है इस बारे में, कोई भी पॉलिसी मेकर इस हवाले से? ये आपका इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है जिसका किसी को अंदाजा ही कोई नहीं है, बाहर जाने मतलब दे रहे क्या हैं। क्या कर रहे हैं यार आप अपने मुल्क के साथ? अपने अपने जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो क्यों बाहर जाने का सोच रहे हैं? अभी एक पॉइंट का सर्वे भी आया है, उसमें भी तकरीबन आपकी 60-70% जो यंग पॉपुलेशन है वो मुल्क छोड़ने के लिए तैयार बैठी है कि अभी कोई जहाज आए और हम फौरन बाहर चले जाएं। उनको क्यों नहीं एतमाद रहा अपने सिस्टम पे? ये बहुत बड़ा, ये रियासत के फेलियर की तरफ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आपके लोगों को, आपके यंग लोगों को आपके मुल्क पर एतबार ही ख़त्म हो गया। ये जनाजा है, ये स्टेट का जनाजा निकल रहा है। मैं कहूँगा ये साहिब हैसियत जो लोग हैं, जो इक्तदार में बैठे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हमारे बने बैठे हैं, कुछ सोचो भाई। जो आपने अपना पूरा एक बबल बनाया है ना, एक रियल इस्टेट का आपका बबल है और आपके चंद बिजनेसेस हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करते हो, आप खुदा न खास्ता ये मुल्क तबाह हो गया ना या दिवालिया हो गया, ये इस बबल से भी हवा निकल जाएगी। आप लोग पाकिस्तान को उस तरफ लेके जा रहे हो जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली बात है। आपने मुल्क दिवालिया होने के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। आपका डिफ़ॉल्ट रिस्क कितना ज़्यादा है, आपकी इन्फ्लेशन 30% है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वो कहाँ पर उसके फिगर्स टच करेंगे आप देख सकते हैं। तो
इस सिचुएशन में कौन सी यूथ इस मुल्क में रहने को तरजीह देगी? आप देखें, आपने क्या हाल कर दिया मुल्क का, स्पेशली ये पिछले अगर कुछ हम महीनों की बात करें तो इसमें ये क्या क्या डिज़ास्टर्स हुए हैं। ये जो हमारी एलीट अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रही, इसकी वजह से अभी फ़िलहाल इनको नुकसान फील नहीं हो रहा। इनको नुकसान फील कब होगा? जब खुदा ना खास्ता ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा ना और पैसे नहीं रहेंगे तेल देने के लिए, तब आप देखेंगे जब पूरी इकॉनमी आपकी कोलैप्स करेगी, क्योंकि आपका जो आपके लोग मतलब उनको तेल नहीं मिल रहा होगा खुदा ना खास्ता। तो फिर ये जब सारी इकॉनमी का पहिया बंद हो जाएगा, तब आपकी ये जायदादें कौन खरीदेगा? ये जो आप लोगों को बेच रहे हैं, ये जो आप अपने बिजनेसेस करते हैं, ये जो आपने एक रेंट सीकिंग का बबल बनाया हुआ रियल इस्टेट सेक्टर में, एक ही सेक्टर है जिसको जिससे हमारी स्टेट के लोग कमाते हैं, तो फिर वो बेचते किसको हैं? वो पाकिस्तानी लेते हैं ना, कौन फिर लेगा? अभी आप देखें ओवरसीज पाकिस्तानी भी पैसे भेजना उन्होंने बहुत कम कर दिया। तो यहाँ पर जब आप बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएंगे ही नहीं, तो फॉरेन इन्वेस्टर तो दूर की बात है भाई, आपका अपना पाकिस्तानी उसको एतमाद नहीं रहा आप पर। लाहौला वाला कुआ था, सोचें ज़रा, जो यहाँ पे रह रहा है उसको एतमाद नहीं है। जो बाहर बैठा फॉरेन इन्वेस्टर, जो अगर वो पाकिस्तानी है वो फिर भी सोच सकता है। आप देखें जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है, जो चाइना का इन्वेस्टर है या अमरीका का इन्वेस्टर है, वो क्यों यहाँ पर आपको पैसे लगाएगा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के मुताबिक आपकी जो रेटिंग्स हैं वो नेगेटिव में है, आपकी फटीचर पॉलिसीज़ की वजह से। अगर आपने अपनी रविश दुरुस्त ना की तो ये मुल्क बिल्कुल दिवालिया ही होगा जो आप लोग कर रहे हैं इसके साथ। 30% इन्फ्लेशन कोई नॉर्मल नंबर नहीं है। इस पर किसी को कोई है कोई ख्याल कि इसको सही कैसे करना है? ये जो 60% यूथ मुल्क छोड़ने का सोच रही है और ये जो 800,000 लोग गए हैं मुल्क छोड़ के, ये किसी को एहसास है कि क्यों ये जा रहे हैं, क्यों एतमाद ख़त्म हो गया? बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप बनाते नहीं हैं यहाँ पर। अगर कोई यूथ यहाँ पर मतलब इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स पाकिस्तानी शुरू कर सकते हैं और शुरू हुए भी हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होते क्योंकि एनवायरनमेंट ही नहीं है। आपने तो कंपनी रजिस्टर करने के लिए इतने प्रोसेस रखे हुए हैं। आप जाके देखें जिन मुल्कों ने तरक्की की है, जहाँ से छोटे यंग लोग ऊपर आए, उन्होंने क्या किया है? एक मिनट में वो आपकी कंपनी को रजिस्टर कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे मेरा जैसा बंदा कोई खुलवाने जाए ना, तो फिर 100 किस्म के बिहेवियर्स देखने पड़ते हैं बाबूज के, जो आपके बैठे हैं सरकारी इदारों में। तो हमें हम क्या फिर चलाएंगे? फिर हर बंदा यहाँ पे छुप छुपा के काम करेगा ना, इनफॉर्मल इकॉनमी होगी। इनफॉर्मल इकॉनमी का क्या फ़ायदा स्टेट को, जब लोग अंदर खाते ही सारी डीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं बनाया। आप अपने अपने ऑफिसेज में बैठे हुए हैं जी, चिल होके जी, यो हो, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा जा रहा है, कोई डिफॉल्ट नहीं। आप किसी जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, चाहे वो आर्मी में हो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, आप उनसे बात करें, वो कहते हैं नहीं नहीं यार, इतनी कोई बुरी बात तो है ही नहीं, ये तो एम ही शोर मचा रहे हैं, कोई इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं है। फिर जब बंदा उन्हें कहे कि यार इकॉनमी की इतनी बुरी हालत है, बच्चों के अपने कोई मुस्तकबिल का पता नहीं है, कोई फ्यूचर का, और मैं ये मुल्क छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो उनकी तरफ से जवाब ये मिलता है कि यार पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान तो सबसे पहले पाकिस्तान, आप पाकिस्तान छोड़ने की बात कैसे कर सकते हो, ये तो मादर वतन है। तो भाई मादर वतन को जो लोग चला रहे हैं वो कौन है? उन्होंने क्या बिहेवियर्स अपने चेंज कर लिए हैं? मतलब ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं या बड़े बड़े अहदों पे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस में लोग हैं, इनको तो लीगल प्रोटेक्शंस हासिल हैं, इनको तो इनके पीछे इनका इदारा खड़ा होता है। मेरे जैसे बंदे को अगर मैं इधर कोई बात कर देता हूँ, मुझे कोई पकड़ने आ जाता है, तो मेरे पीछे कौन आएगा? क्या मुझे पाकिस्तान का कानून तहफ़ देता है किसी चीज़ के बारे में? अगर कानून में वो चीज़ है भी, तो आपको नहीं पता किस तरह वो मैनिपुलेट करते हैं पावरफुल लोग। एक ये भी बहुत बड़ी रीज़न है पाकिस्तानियों के मुल्क छोड़ने की, कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, लोगों को अपने लॉ पर कोई एतमाद नहीं रहा, किसी पुलिस, किसी जज, किसी आर्मी, किसी पर कोई एतमाद ख़त्म हो गया। उन्हें पता है कि यहाँ पे सिस्टम में जो लोग मतलब करप्शन करते हैं या दो नंबर काम करते हैं, वही सर्वाइव कर सकते हैं। अब हर बंदे में वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो बैठ के जी यहाँ सारा दिन चलाकियाँ खेलता रहे, जी मैंने उसको कैसे गिराना है उसको। जो सीधा चलने वाले लोग होते हैं ना, जो कहते हैं हमने अपनी मेहनत से ऊपर आना है, ये वही लोग होते हैं जब उनको एहसास होता है ना कि इस मुल्क में तो लॉ एंड ऑर्डर कोई तरीका है नहीं, कोई बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट है नहीं, तो चलो यार मुल्क ही छोड़ दो। फिर ये वो लोग होते हैं जो मुल्क छोड़ जाते हैं। सबसे अकलमंद लोग होते हैं और जिनको करप्शन करने के गुर नहीं आते। और वैसे भी कौमें बनती हैं किसी आइडिया के पीछे, कोई आइडिया, कोई मकसद, कोई मंजिल दी जाती है। आपके पास एक ही मंजिल है, करप्शन। आपने वो मंजिल दिया। आप देखें जिस तरह करप्ट लोगों के केसेस माफ़ हो रहे हैं, उनको आगे लाया जा रहा है,
उनको मुल्क की पूरी पूरी तंजीम साजी उनके हाथ में दी जा रही है, उन इसका लोगों असर पड़ता है, डिमोटिवेट होते हैं। दूर से ऐसे बैठ के यही लगता है कि जी ये तो करप्शन हमारा मोटो है, हमारा जो मेन जो कौमी जो स्टेट की तरफ से पुश हो रही है जो चीज़ कि जी करप्शन करो फिर आप बच जाओगे, तब आप रह सकते हो इस मुल्क में। पाकिस्तानी करप्ट लोग नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये हमारे हमें जलील किया हुआ है कि हम गंदे लोग हैं। पाकिस्तानियों को बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिले ना, वो करप्शन के बगैर दुनिया में तबाहियां फेर सकते हैं और हम देख भी रहे हैं। पाकिस्तानी पाकिस्तान जैसे फटीचर एनवायरनमेंट में रह के इतना कुछ कर सकते हैं तो बाहर जाके वो क्या कुछ नहीं करते, वो फिर यहाँ पे पैसे भी भेजते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी रीज़न है जिस जो मुल्क लोगों को एतवार नहीं रहा अपनी स्टेट पर। लोगों ने अपने मुस्तकबिल को देखना होता है। और दूसरा मतलब आप देखें, हमारे तो यहाँ पर एनवायरनमेंट की भी मतलब धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। क्या क्लाइमेट, ये जो जैसे मैंने कहा ये हमारा रियल इस्टेट सेक्टर है, ये धड़ाधड़ पंजाब की जो जरखेज़ ज़मीन है उस पर सोसाइटियाँ बनाई जा रहा है, कोई शर्म ही नहीं आ रही उनको, फिर कहते हैं स्मॉग क्यों होती है। आप ख़ुद बताएं क्या आप लाहौर आने वाली जनरेशन के लिए रहने के काबिल छोड़ा है हमने? मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे लाहौर में पलें बढ़े या पोल्यूशन वगैरह नशोनुमा हो। यहाँ पर कैसे हो सकती है उनकी? यहाँ पे ना कोई इंटरटेनमेंट का सोर्स है, ना कोई और चीज़ है, बल्कि मट्टी है, तूफान है, लिटिया एक सर्कल है जिसमें आपकी करप्शन को प्रिवेल किया जाता है। इस माहौल में कोई रह सकता है? ये तो स्टेट पे है। अगर मुझे कोई कहेगा कि यार मैं मायूसी वाली बातें फैला रहा हूँ, तो स्टेट बड़े जैसे बड़े हमें उम्मीद की किरण दे रही है ना, जैसे स्टेट भी तो अपनी कोई दिखाए, अपनी कोई अपना कोई बिहेवियर दिखाए, हम चेंज करना चाहते हैं ताकि हम भी पॉजिटिव बातें करें। हमें तो एक अच्छे आइडियाज़ दिए थे 2011 से स्टेट ने कि जी प्रो पीपल पॉलिसीज हम बनाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी, जियो इकोनॉमिक्स, ह्यूमन सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पर हम कवर करते हैं भाई, उसे हम अच्छी चीज़ को कवर करते हैं जो आप अच्छे आइडियाज़ लाएंगे। बट आप जब ये कुछ हम देख रहे हैं तो फिर क्या करें भाई हम? फिर हम तो पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं बट कुछ मायूसी मतलब छोड़ा है आपने यहाँ पर। ना किसी गवर्नमेंट की मुद्दत पूरी होती है यहाँ पर, 6% ग्रोथ कोई गवर्नमेंट अचीव कर रही हो तो उसका तख्ता उल्ट दिया जाता है। ठीक है जी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहाँ पर गिर जाते हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ पर गिर जाती है, इंडस्ट्री जो खड़ी हो रही थी वो कहाँ पर गिर जाती है, रेमिटेंसेस कहाँ पर गिर जाती है, जीडीपी ग्रोथ कहाँ पर गिर जाती है? तो फिर क्या मतलब ठेंगा तरक्की करनी है आपने? आप रहे अपने रियल इस्टेट सेक्टर में, फिर मज़े करें, फिर जब होगा ना, जब ये सारा फिर खुदा ना खास्ता इकॉनमी का कबाड़ा निकल गया तो फिर वो घर भी कोई ख़रीदने वाला होगा, सजा के रख देना एज अ म्यूज़ियम उन सोसाइटीज़ को जिनमें ज़ॉम्बीज़ रह रहे होंगे। पाकिस्तान में हर बंदे को कोई लीगल कवर या कोई लीगल प्रोटेक्शन या आइन या कानून में उसको कोई गारंटी नहीं है, तो वो कोई पागल का पुत्र नहीं है कि यहाँ पे इस तरह के एनवायरनमेंट में अपने बच्चों को वो बड़ा करे जहाँ पे आपके इकॉनमी का जनाजा निकला हुआ है, जहाँ पे आपके एनवायरनमेंट का जनाजा निकला हुआ है, जहाँ पे आपकी सोसाइटी का जनाजा निकला हुआ है। तो क्या करें अब, क्या कह सकते हैं, क्या कहें? वेक अप बिफोर इट्स टू लेट ऑलरेडी, इट्स बियॉन्ड रिपेयर नाउ। और ये अल्लाह की कोई करिश्मा ही अब हमें बचा सकता है, हमारे बिहेवियर्स तो चेंज होते नहीं नज़र आ रहे। तो क्या ख्याल है फिर, छोड़ें मिलके इकट्ठे मुल्क जिनमें कैपेसिटी है, और ऑब्वियसली ये भी कोई आसान काम नहीं है मुल्क छोड़ना, यही हो सकता है। तो ये भी अल्लाह सबके मदद करे, सबकी आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में ही ऐसे हालात पैदा करे कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। एक टिपिकल दुआ के साथ इस वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ। आपके ख्याल से ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं, क्या मुल्क छोड़ देना चाहिए या यहाँ रह के एक 24 आवर्स जो एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें हमें स्ट्रगल करनी चाहिए, सरवाइव करना चाहिए? बचपन से ही वैसे तो यही सुनते आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। कमेंट कीजिए, इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तो जी ये कुछ रिपोर्ट्स थी, बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही अजीब व गरीब तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अजीब व गरीब नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो दो तीन महीने के अंदर बहुत कुछ बदल गया था, इकोनॉमी डाउन होने लगी थी पाकिस्तान की। सो वो मैं भी देखता आ रहा हूँ यहाँ बैठ कर, लेकिन यहाँ इंडिया में बैठकर इतनी ज़्यादा नज़र नहीं रख सकते जितनी आपके यहाँ पर वो सारी चीज़ें, वो न्यूज़ जो हैं वो चल रही होंगी वहाँ पर, तो वो आपको ज़्यादा पता होगा, मतलब जो वहाँ रहकर इस चीज़ को देख रहे हैं। बहुत तगड़े, बहुत हैरान करने वाले फिगर्स निकल कर आए हैं इन्होंने, जो चीज़ें दिखाई हैं, जो रिपोर्ट्स दिखाई हैं। कुछ रिपोर्ट्स थी कि 62% से ज़्यादा लोग जो यूथ है वो छोड़ना चाहता है
पढ़ाई कंप्लीट की अपनी, वो जॉब कहीं और करना चाहता है किसी और देश में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और ये सारी चीज़ों का असर पड़ता है इकोनॉमी पर पड़ेगा, क्योंकि जो काबिल लोग हैं, टॉपर्स लोग हैं, जो अच्छी स्टडी कर कर अपने देश को आगे बढ़ा सकते थे, अच्छी पढ़ाई कर कर उसमें कुछ हिस्सा दे सकते थे, वो अब बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, काम नहीं है, उनकी तरक्की के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, इसीलिए लोग बाहर जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, और बहुत से लोग छोड़ गए हैं, 8 लाख से ऊपर लोग, बहुत बड़ा फिगर है भाई, बहुत बड़ा, पाकिस्तान को देखते हुए 8 लाख, 22 करोड़ में से 8 लाख लोग एक साल के अंदर छोड़ गए, आप सोचें ज़रा, बहुत गहरी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़ है, ये गंद फैली हुई है पूरी कंट्री में और डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, उनको कोई आसान नज़र नहीं आ रहा है, उनको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा कि हम यहाँ पर ऐसे सर्वाइव कर सकते हैं, सालों साल इतनी कमाई कर कर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेकर आगे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको नज़र नहीं आ रही हैं, इसीलिए वो बाहर जाकर अपनी करियर को देख रहे हैं, अपनी लाइफ को देख रहे हैं, सेटल होना जा रहा, लेकिन कुछ लोगों को मज़ा आ रहा है और वो सीट पर बैठने के लिए, सीट को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। आई थिंक इमरान खान के दौर में ऐसा नहीं था, तरक्की ऊपर की तरफ आ रही थी और अब जो है वो इतना तगड़ा डाउनफॉल हो रहा है कि डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया है, और ऐसा हो गया अगर तो सोचो क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर कितने लोग और ज़्यादा जाना चाहते होंगे, फिर ये जो 100% यूथ बाहर जाना चाहेगा और जो लोग मजबूरी की वजह से रह रहे हैं वही रह जाएंगे भाई, कि हम जा नहीं सकते, हम पे पैसा नहीं है, हम किधर रहिए, कोई नहीं सोच रहा भाई। अफसोस के साथ इन्होंने भी यही दुआएं करते हुए चीज़ों को बताया है, और सच में देखने में बड़ा ही अजीब लगता है कि यार पाकिस्तान किधर जा रहा है। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप भी बाहर जाना चाहते हो, क्या सोचते हो आपके फ्यूचर के बारे में, पाकिस्तान में रहकर क्या हो सकता है आपका। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर अपनी राय बताना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।